गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम स्टूडेंट। एज वी स्टडी थर्ड चैप्टर इन प्रीवियस वीडियो इन विच वी नो अबाउट मेनी थिंग्स अबाउट फाइबर्स। देर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर वी हैव स्टडी इन क्लास 7, बट इन दिस क्लास 8 वी स्टडी द सिंथेटिक फाइबर इन डिटेल। देर आर मेनी टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। फर्स्ट आप हम वी हैव डिस्कस्ड देर आर फोर टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। फर्स्ट रेयन, सेकेंड नाइलॉन, थर्ड इज पॉलिस्टर एंड फोर्थ इज एक्राइलिक। तो हे आर वी डिस्कस इन डिटेल वन बाई वन। ओके, फर्स्ट रेयन फाइबर। रेयन फाइबर इज ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल फाइबर, आर्टिफिशियल सिल्क। ओके, वाई इट इज नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क, बिकॉज इट्स टेक्सचर इज लाइक अ सिल्क। ठीक है ना, सिल्क क्लॉथ की तरह इसका टेक्सचर होता है, इसकी प्रॉपर्टी होती है, इसलिए इसे हम सिल्क कहते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं रेयन को। ओके, रेयन जब हम फूड पल्प को और केमिकल को मिक्स करते हैं तब हम रेयन का मैन्युफैक्चर करते हैं। ये हमारा पहला आर्टिफिशियल फाइबर्स है जो हम नेचुरल थिंग्स को यूज़ करके और उसके केमिकल के साथ मिक्स करके उसका हम मैन्युफैक्चर करते हैं। जैसे वुड पल्प हम नेचर से लेते हैं, ये हमें प्लांट के सेलुलोज से मिलता है। ओके, प्लांट के सेलुलोज हम जानते हैं कि प्लांट क्या करता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है और सेलुलोज का हम लोग यूज़ करके इसका और केमिकल को मिक्स करके इसका फॉर्मेशन करते हैं। इसमें जब हम रेयन जब तैयार करते हैं उसके मिक्सचर में जब कॉटन मिलाते हैं तो उसके टेक्सचर की प्रॉपर्टी अलग हो जाती है और उसे हम बेडशीट बनाने के लिए यूज़ करते हैं, शर्ट्स टाइज बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, अब रेयन के टेक्सचर को कंपोजिशन को हम क्या करते हैं, ऊन के साथ मतलब ऊन के साथ मिलाते हैं तो हम कारपेट का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि ऊन तो वैसे ही क्या होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है और रेयन क्या है, आर्टिफिशियल सिंथेटिक मैनमेड फाइबर है, इसलिए इसके साथ ऊन का मिक्सचर करके कारपेट का फॉर्मेशन करते हैं, जिसके कारण हमें इसका प्रॉपर्टी बहुत हार्ड मिलता है और हम इसका यूज़ कारपेट के लिए यूज़ करते हैं। रेयन बहुत ही क्या होता है, सॉफ्ट होता है, इट इज़ सॉफ्ट, इट इज़ हाईली लस्ट्रस एंड इट एब्जॉर्ब स्वेट ऑल्सो। ये हमारा पसीने को भी सोखता है, इसलिए हम लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं आजकल आर्टिफिशियल, और चीपर होता है, सस्ते दामों में मिल जाता है, इसलिए लोग इसे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। ओके, इससे हमें ज़्यादा मेंटेनेंस की भी ज़रूरत नहीं होती है, इसकी प्रॉपर्टी थोड़ी कॉटन की तरह होती है, लेकिन ये क्या होता है, तुरंत ही वॉश आउट होता है, ड्राई अप होता है और इसके शाइनिंग प्रॉपर्टी में भी ज़्यादा डैमेज नहीं होता है, इसका शाइनिंग प्रॉपर्टी भी ज़्यादा डैमेज नहीं होता, ज़्यादा वॉश आउट करने से, इसलिए हम रेयन को यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारा पहला रेयन हो गया, इसके कुछ प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग जान गए और इसके बारे में कुछ बुक से भी हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे तो और भी हमारा कंक्लूजन क्लियर होता चला जाएगा। सेकेंड, हमारा रेयन फाइबर आर वाइडली यूज एज सेमी सिंथेटिक फाइबर। ये हम सेमी सिंथेटिक फाइबर भी कह सकते हैं क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, नेचर का भी यूज़ लेते हैं और केमिकल्स का भी यूज़ करते हैं, क्योंकि वुड पल्प हमें नेचर से मिलता है, प्लांट से मिलता है और केमिकल्स हम लोग आर्टिफिशियली बनाते हैं फ्रॉम सेलुलर्स एंड अवेलेबल इन 3 डिफरेंट वराइटीज। ओके, 3 वराइटियों में ही पाया जाता है, जैसे विस्कोस, क्यूप्रो एंड एसीटेट, ये 3 वैरायटी है, 3 देयर आर 3 वैरायटीज ऑफ आर्टिफिशियल फाइबर दैट इज रेयन। ओके, इसके बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ जान लिए हैं, हम सेकेंड स्टेप के बारे में आएंगे, दैट इज सेकेंड टाइप इज नाइलॉन। नाइलॉन वाज द फर्स्ट मेड इन 1931, इट इज टोटली मैनमेड सिंथेटिक फाइबर। यह क्या है, हमारा टोटली मैनमेड सिंथेटिक फाइबर, इसमें कोई भी नेचुरल फाइबर्स, नेचुरल थिंग्स का यूज़ नहीं करते, इसमें ओनली केमिकल्स का यूज़ करके हम नाइलॉन का फॉर्मेशन करते हैं। डैट इज इसका कंपोजिशन क्या है, कोल, कोयला और वाटर और एयर का मिक्स करके केमिकल्स के साथ इसका हम फॉर्मेशन करते हैं, इसे हम टोटली क्या कहते हैं, मैनमेड फाइबर कहते हैं। ये क्या होता है, बहुत ही हार्ड होता है और इसका जो हम मैन्युफैक्चर करते हैं तो बहुत ही स्पेशल टाइप का मशीन का यूज़ करते हैं, जिसमें हम बहुत ही गर्म नायलॉन को स्पिनिंग करते हैं और इसको जितना टाइट करेंगे उतना इसका क्या होगा, स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, मतलब इसकी मजबूती ज़्यादा होगी। ओके, इसलिए नायलॉन क्या होता है, बहुत ही हाईली यूज़ किया जा रहा है ढेर सारी चीज़ों में,
नाइलोन सॉक्स बनाने के लिए, रोप्स बनाने के लिए, टेंट बनाने के लिए, टूथब्रश के लिए, कार के लिए, बेड से कार बेल्ट के लिए, स्लीपिंग बैग्स के लिए, कर्टेंस के लिए, पैराशूट्स के लिए एंड रोप फॉर रॉक क्लाइंबिंग। रॉक क्लाइंबिंग मतलब पहाड़ को चढ़ने के लिए इवन हम क्या करते हैं, नाइलोन फाइबर्स का, नाइलोन की रस्सी का यूज करते हैं। इसी से हम जान सकते हैं कि नाइलोन कितना हार्ड होता है, कितना फ्लेक्सिबल होता है। ओके, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। और ये बहुत ही क्या होता है, शाइनिंग प्रॉपर्टीज में होता है और ये जल्दी ब्रेकेबल भी नहीं होता। इसका हार्डनेस एक स्टील के तार से भी ज़्यादा होता है। अगर एक ही डायमेंशन का हम स्टील का तार ले और हम नाइलॉन का थ्रेड ले, धागा ले, तो हमारा नाइलॉन का थ्रेड ज़्यादा क्या होगा, स्ट्रेंथ मेंटेन करेगा, स्टील का तार क्या हो जाएगा, जल्दी ब्रेक कर जाएगा। इसलिए नाइलॉन क्या है, हाईली यूज़ किया जा रहा है और नाइलॉन को हम लोग ढेर सारे चीज़ों को बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट अब हम आगे दो और टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। पॉज कर दीजिए।